नीरज जवाब दीजिए, वादों पर वादे आप किए जा रहे हैं, रेवड़ियां आप बांटे जा रहे हैं, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां क्या हाल है, वहां कितना लाभ लोगों को मिल रहा है, उन सबको दरकिनार कर रहे हैं। पूजा जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले कल एक बहुत बड़ी घटना हुई देश के अंदर, जो शायद मीडिया चैनलों से नदारद रही, क्योंकि अभी भावनाओं के ऊपर राजनीति करने की बात हो रही थी, तो सत्यपाल मलिक जी ने कल राहुल गांधी जी के साथ जो बातचीत की उसमें बताया कि पुलवामा के अंदर जो आतंकवादी घटना हुई थी उसके 3 दिन के बाद पुलवामा के नाम पर वोट किसने मांगे इस देश में, और कैसे भावनाओं का उन लोगों ने इस्तेमाल किया सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए, और किस तरीके से, जो मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के अंदर जो सबसे फेल्ड होम मिनिस्टर अगर कोई है तो अमित शाह का जो फेलियर रहा उसके बारे में कल सत्यपाल मलिक जी ने इस देश को अवगत कराया। अब जो ये दूसरी बात कह रहे थे कि गारंटी का मतलब क्या है, मैं आपको भाजपा की गारंटियों का मतलब बता देता हूं। भाजपा की गारंटी का मतलब ये है कि अगर वो आयुष्मान भारत नाम की स्कीम लेकर आएंगे तो एक नंबर के ऊपर, एक मोबाइल नंबर के ऊपर वो 7 लाख लोगों को लोन डिसबर्स कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आदमी ने इतनी ज्यादा बार लोन ले लिया। इनके करप्शन की गारंटी और देखिए क्या है कि वो दिल्ली के अंदर एक अगर हाईवे बनाने जाएंगे तो जो 4 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर हाईवे की सड़क बनती थी उसको वो 54 करोड़ में बनाएंगे, तो 17 गुना भ्रष्टाचार की गारंटी है। और सबसे बड़ी गारंटी मोदी जी की हर स्कीम की है कि वो अडानी को फायदा पहुंचाने की गारंटी है। अगर कोयला इंडोनेशिया से निकलेगा और हमारे पोर्ट पर आकर गिरेगा तो उस बीच में वो 12,000 करोड़ कैसे बढ़ जाएगा, ये मोदी जी गारंटी दे देते हैं अडानी जी को। तो इस तरीके की गारंटियों से देश की जनता अब तो ऊब गई है। आज पूजा जी 10 साल होने को आ गए, बार बार देश की जनता इनसे ये पूछती है कि आपने अडानी के स्वावलंबन के अलावा इस देश के अंदर क्या किया है, इसके ऊपर ये लोग जवाब नहीं देते हैं। और हमसे जब ये हमारे राज्यों के बारे में पूछते हैं तो हम लोगों ने जब चिरंजीवी योजना राजस्थान में लागू की तब तो मनोज भाई कोई चुनाव नहीं था, और मेरे ख्याल से आपकी खीज और ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो शायद इसी वजह से है, क्योंकि देश की जनता ये मान चुकी है कि जैसे पिछले 70 साल में इस देश के अंदर डेवलपमेंट की गारंटी कांग्रेस पार्टी रही वो बिल्कुल उसी मॉडल पर दोबारा लौट आई है। और आज जब हम लोग ये बात कहते हैं कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देते हैं तो राजस्थान की बहनें वो सिलेंडर ले तो रही हैं। हम जब कहते हैं कि हम कर्ज माफी करेंगे तो 50,000 किसान जिनका कर्ज माफ हुआ राजस्थान में वो लोग बाहर निकल कर कहते हैं। हम जब कहते हैं कि हम ओपीएस लागू करेंगे तो हिमाचल का एक एक सरकारी एम्प्लॉय बाहर निकल कर कहता है हाँ हमारे यहाँ पर तो ये हो गई है। हम जब कहते हैं कि हम महिलाओं को फ्री में बस यात्रा कराएंगे तो कर्नाटका की हमारी बहनें कहती है हाँ हम घर से बाहर निकलते हैं और बस हमारे द्वार पर खड़ी रहती है और कोई पैसा नहीं लगता। हम जब कहते हैं कि हिमाचल में आपका ये फॉर्मूला चल गया इसीलिए अब आप इन तीनों राज्यों में ये फिर से फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मान रहे हैं ना कि ये जीत की गारंटी है कांग्रेस के लिए, इसमें ताबड़तोड़ घोषणाएं रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। पूजा जी देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो पहला सेक्शन है वो क्या कहता है कि इस देश के अंदर इस संविधान से गारंटी ये मिलती है कि न्याय होगा, वो न्याय होगा आर्थिक स्तर पर, वो न्याय होगा सामाजिक स्तर पर, वो न्याय होगा राजनीतिक स्तर पर। जब हम लोग आर्थिक स्तर के न्याय की बात करते हैं तो आप याद करिए ना, हम 2019 के अंदर राहुल गांधी जी इस देश की जनता के सामने एक न्याय स्कीम लेकर आए थे जिसके अंदर उन्होंने गारंटी दी थी कि 72,000 रुपए प्रतिवर्ष हर परिवार को दिए जाएंगे। तो हम लोग तो संविधान की प्रस्तावना के अंदर रहकर इस देश की जनता के जीवन को सुगम बनाने की नीति लाते हैं, और उसको मनोज जी जैसे लोग, जो भाजपा के जो लोग हैं, वो अडानी की जेब में पैसा कैसे डाले उस गारंटी में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है।